लस्सी के साथ भी ले सकते हैं, सॉल्टेड बा स्वीट लस्सी के साथ ओट ले सकते हैं। याद रखिएगा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। सरसों का तेल ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, उसके बाद राई जो है, मस्टर्ड सीड अदरवाइज राई आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है राई यूज़ किया और क्रैकलिंग होना भी शुरू हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप देखते रहिए क्या होगा, क्या डालेंगे, क्या ऐड करना है आपको। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा कुक करना है। जैसे ही हल्का सा कुक हो जाता है उसके बाद ही जो है स्लाइस अनियन ऐड करना है इसमें। स्लाइस अनियन फिर आप देख सकते हैं जो बीन्स है, बीन्स को छोटे छोटे कटिंग करके और पहले से ही उसको थोड़ा सा ब्लांच करके रखे हैं और फिर अनियन के साथ मिक्स कर दिया। और स्लाइस जो टोमेटो है, टोमेटो इसमें मिक्स किया और फिर इसको कुक करना है। 2-3 मिनट कुक करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं अब जो है इसमें ओट में ऐड कर दिया। जैसे सब्जी थोड़ा बहुत कुक हो गया, कुक होने के बाद ही अभी इसमें थोड़ा सा ऐड कुक करना है इसको। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा चलाते रहना है 2-4 मिनट। ओके, तो जो ओट है, ओट का जो कच्चापन है वो थोड़ा ठीक हो जाता है, अप्रोप्रिएट पोजीशन में आ जाता है। अभी 4-5 मिनट जो है इसको स्लो फ्लेम में रोस्ट करना है। जो ओट्स है, ओट्स का जो कच्चापन है वो चले जाना चाहिए। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ रहा है इसमें, हल्का सा रोस्ट हो जाएगा और फिर सब्जी वगैरह भी है जो है यदि टेंडर हो चुका है। एक्चुअली ओट का जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो रेगुलर बेसिस ओट आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट वाइज। अभी पानी ऐड कर रहे हैं इसमें, 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया, 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो आपका क्वांटिटी, आप कितने क्वांटिटी में ओट बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको पानी ऐड करना है और फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, तो सॉल्ट ऐड कर देना है इसमें। और थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए, 2 टीस्पून शुगर मैंने इस रेसिपी में ऐड किया, 2 टीस्पून। अब देखिए सब मिक्सअप हो चुका है, पानी भी इसमें ऐड हो चुका है। अब फिर स्लो फ्लेम में लिड यूज कर दीजिए और उसको 3-4 मिनट जो है पकने दीजिए, फिर आपका ओट रेडी हो जाएगा। ओट का बना हुआ जो है उपमा, अब ओट का जो उपमा है वो रेडी हो जाएगा 2-3 मिनट
आपको इंतज़ार करना है और उसके बाद सर्व करना है गर्मा गर्म। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। आप देख सकते हो रहा है वो, और साथ साथ में जो है लाइक भी कर देना है इसको, क्योंकि बहुत डिलीशियस और हेल्दी फूड है। और कमेंट जो है आप लिख सकते हैं मुझे, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। कोई अगर रेसिपी चाहिए या कोई आपको सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके लिखिएगा। नाउ फाइनली रेडी पोट, देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है इसका टेक्सचर आया है। ठीक है, पोट आप हॉट मिल्क और कोल्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं। ओट्स लेते हैं तो वेट लूज करने के लिए भी जो है ओट का बहुत अच्छा अवदान है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।